पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन टोनी स्टार्क को बेहोशी की हालत में लेकर स्टार्क मेंशन आता है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन उस पर वहीं पर हमला हो जाता है मॉन्स्टर्स का। वहीं आइस टाइटन और लावा टाइटन फ्रैंकलिन की बॉडी की वजह से पावर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तभी फ्रैंकलिन को बचाने के लिए एक येटी मॉन्स्टर आ जाता है, उसका पुराना दोस्त। तभी आयरन मैन भी वापस आ जाता है माउंट चिलियार पर, और वहीं पर वर्ल्ड कलेक्टर सुपरमैन फ्रैंकलिन पर हमला कर देता है। फ्रैंकलिन और वर्ल्ड कलेक्टर सुपरमैन की बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, और उसमें फ्रैंकलिन और वर्ल्ड कलेक्टर दोनों ही एक साथ हार जाते हैं और फ्रैंकलिन बेहोश हो जाता है। वहीं पर एक साथ स्केलेटन गॉडज़िला हमला कर देता है। और अब आगे, अरे गाइस, यहाँ पर हमारी हालत ख़राब कर रखी है स्केलेटन गॉडज़िला ने, और मेरा भाई फ्रैंकलिन भी बेहोश पड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ये देखिए, बढ़िया लग रहा है तुम लोगों को मार के, जल्दी बताओ किसको पहले खाऊं। तू खाएगा कैसे, तू तो हड्डियों का ढांचा बना पड़ा है, तू खाएगा अभी तो हम बाहर निकल जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, मैं तुम लोगों को बचाऊंगा, रुको मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक मिनट। जो पलटो स्केलेटन था, लुक ले ले, तू मेरे दोस्तों को मारेगा। अरे क्या बात है गाइस, यहाँ पर तो येती आ गया मुझे बचाने के लिए। जल्दी कर और मेरे फ्रैंकलिन भाई को बचा। गाइस जल्दी से येती की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। हाँ फ्रैंकलिन, तू ठीक हो गया? हाँ भाई मैं ठीक हो गया। एक सांस से जैसे स्केलेटन ने हलचल मचाई मैं बेहोशी से उठ गया। अरे गाइस मैं फाइनली ठीक हो गया। आप लोग जल्दी से लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब समय आ गया है अपनी एक नई टीम बनाने का। गाइस अब हम एक अपनी नई टीम बनाएंगे, अवेंजर्स की एक नई टीम, जिसमें सिर्फ ओनली अवेंजर नहीं मॉन्स्टर्स भी रहेंगे। बिल्कुल वो टीम बहुत ही कमाल की होगी, और उसी टीम का यूज करके हम लावा टाइटन के मॉन्स्टर्स को हराएंगे, और साथ साथ में वर्ल्ड कलेक्टर सुपरमैन को भी, और लावा टाइटन और आइस गॉड को भी। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन मैं तो अकेला मॉन्स्टर हूँ, बाकी कहाँ पर है? हाँ ये बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम में कौन सा नेक्स्ट मॉन्स्टर ज्वाइन करेगा। मुझे अपनी पावर्स बढ़ानी पड़ेंगी, मैं 4 टेल की जगह 9 टेल क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? बार बार मैं 4 टेल ही क्यों बन जाता हूँ? कोई बात नहीं है, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, लेकिन मैं एक बार अगर 9 टेल में बदल गया तो इस दुनिया का कोई भी जादूगर या शक्तिशाली इंसान मुझे रोक नहीं सकता। मेरी शक्तियाँ कम हो रही हैं, जब से धरती पाया हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। मेरी 9 टेल अभी तक नहीं आई है, मेरे हिसाब से मुझे लावा टाइटन के पास जाना चाहिए, उससे मुझे पूछना पड़ेगा कि असल में हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं अपनी शक्तियों को वापस कैसे बढ़ाऊँ, वो मुझे अभी बताएगा। लावा कहाँ पर है? तो लगता है वो दुनिया की दूसरी तरफ है, मुझे वहीं पर पहुंचना होगा और उससे अपने सवालों के जवाब लेने होंगे, वो भी अभी के अभी। हाँ मेरे ये दोनों भाई तो यही हैं। ये क्या, ये तो यहाँ पर लावा टाइटन, ये तो वर्ल्ड कलेक्टर है। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड कलेक्टर भी हमारी साथ दे रहा है। ओ ऐसी बात है, तो यहाँ पर ये क्यों आया है? मेरी बात सुनो तुम दोनों भाइयों, जब से मैंने तुम दोनों का साथ देना स्टार्ट किया है, मेरी 9 टेल फॉर्म डिसेबल हो गई है, मैं उसको इनेबल नहीं कर पा रहा हूँ। उस वजह से उस पिद्दी से कीड़े फ्रैंकलिन ने मुझे हराया। वैसे वो हराना कुछ नहीं हुआ, उसने जस्ट कुछ टाइम के लिए मुझे रोक दिया था। अब जल्दी बताओ मैं अपनी 9 टेल फॉर्म कैसे एक्टिवेट करूँ? और तुम्हें अपनी 9 टेल फॉर्म एक्टिवेट करनी है तो तुम्हें हमारे मॉन्स्टर्स की पावर लेनी होगी। ऐसी बात है तो रुको भी लेता हूँ। मेरी बात सुनो तुम लोग, मैं अभी कभी तुम लोग की पावर लेने वाला हूँ। अरे भैया मैं पावर क्यों ले रहे हो भैया, हम कहा होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार अगर मैं तुम्हारी पावर ले लूँगा तो मैं 9 टेल बन जाऊँगा, 9 टेल वर्ल्ड कलेक्टर। उसके बाद मैं उस फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों को हरा दूंगा। लगता है मेरे अंदर पावर आना स्टार्ट हो गई है, अब समय आ चुका है फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों को जहन्नुम में भेजने का। बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द तुम अपग्रेड हो जाओ वर्ल्ड कलेक्टर, और जाकर उन सबको खत्म कर दो। तो समय आ गया है। और यहाँ पर 4 टेल और ये, अरे ये क्या हुआ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है मेरी पावर्स बढ़ क्यों नहीं रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पर? अभी भी मैं फिर से 4 टेल कैसे बन गया, मैं 9 टेल बन क्यों नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं तो 5 टेल भी नहीं बन पा रहा, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरी पावर्स नहीं बढ़ पा रही हैं। मेरे पास नो वर्ल्ड कलेक्टर, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ आओ, मेरे पास एक और तरीका है। ठीक है मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। वो तो अच्छी बात है कि अभी तक मेरी 9 टेल फॉर्म इन लोगों ने देखी नहीं है, एक बार देख लेंगे तो देख कर ही मर जाएंगे डरपोक कहीं के। मैं नहीं चाहता ये मुझे देख कर मरे, मैंने तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ,
जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। फिलहाल मेरी बात सुनो, तुम जाओ और जाकर अपनी फोर टेल से ही पकड़ के लाओ। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी के अभी इन लोगों के पास जाता हूँ। माउंट चिल्लियाट पर अपनी टीम बनाने की बोल रहे थे, कहाँ पर हैं ये लोग? तो तुम लोग अपनी अवेंजर्स की वापस टीम बनाओगे जिसमें तुम ये पागल दिमाग वाले मॉन्स्टर्स को भी लोगे। हाँ, किसको पागल मॉन्स्टर बोल रहा है तू? हाँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ। अरे यार, ये फिर से आ गया पिट कर, तुझे शर्म नहीं आई? फ्रैंकलिन से पिट गया तू? हाँ सही बोल रहा है, मैंने वर्ल्ड कलेक्टर को ना पीट पीट के भगाया था। कौन सा भागा था तुम्हें? मेरे स्केलेटन ने तुम्हारी हालत खराब कर दी थी। और वही स्केलेटन अब दफन हो गया जमीन में, जाके चेक कर ले। बहुत बकवास हो गई तुम्हारी, मैं तुम्हें यहीं के यहीं खत्म करूंगा। अरे यार यदि कुछ कर, अरे गाइस तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा सूट अभी तक रिपेयर नहीं है, इसमें डैमेजेस हैं अभी भी, क्या करे? मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, ये हूँ गॉडजिला, ये लो, सब मरोगे तुम लोग। अब ये कौन आ गया? लगता है ये गॉडजिला अर्थ है इस दुनिया का गॉडजिला। ऐसी बात है तो अपने गॉडजिला से मरवा दो इसको। नहीं, ये गॉडजिला अर्थ हमारे गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमारे मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग सब के सब मरोगे, बताओ मेरी दुनिया पर क्यों तबाही मचा रहे हो? तो तू ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ही तुझ पे हमला करना पड़ेगा। तू मुझ पर हमला करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? ये ले लावा टाइटन, ये ले, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं हूँ गॉडजिला। ये अरे ये क्या कर रहा है? तुम सही कह रहे हो बड़े भाई, इसके पास तो खतरनाक पावर्स हैं, लेकिन मेरे जितनी नहीं। अरे बाप रे, तू कैसी पावर्स मार रहा है? ये एक उंगली से तू मुझे इतना फेंक कर रहा है। बिल्कुल, अगर मैंने तुझ पे गलती से अपना पैर रख दिया तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैं अपने आप को ज्यादा चलाता हिलाता नहीं हूँ इस दुनिया में। मर गया गॉडजिला, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं, अभी के अभी जाता हूँ, अभी के अभी। मैंने सुना है इस दुनिया के रखवाले इंतजार कर रहे हैं नए नए मॉन्स्टर्स का, तो गॉडजिला उनके साथ है। अरे तू अवेंजर्स को ज्वाइन करेगा? अवेंजर्स तो ऑलरेडी हार चुके हैं। अवेंजर्स हारे नहीं है, वो वापस आएंगे, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ अभी के अभी। अरे बड़े भाई, ये तो दिक्कत हो गई। सही बोल रहे हो, अगर उन लोगों ने टीम बनाई तो हमारे मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं, उसके बाद भाई तुम और मैं ही बचोगे। वो तो अच्छी बात यह है कि हमने अवेंजर्स को कई दिन पहले ही मार दिया था। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे अरे ये तो येटी है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा वर्ल्ड कलेक्टर, मैं हूँ कटर। एक मिनट, ये कौन आ गया? मैं हूँ गॉडजिला। तुम भी आ गए, मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं? मरने का ज्यादा शौक है क्या? मैं तुझे मार दूंगा, समझा वर्ल्ड कलेक्टर? फेंक दिया बेचारे को दूर। इसकी तो हालत खराब कर दी। क्या बात है, हमारी टीम में एक और प्यादा आ गया, मजा आएगा। अब तो हमारी टीम बढ़ती जा रही है गाइस। अरे यार टोनी स्टार्क, तू गॉडजिला अर्थ के बारे में जानता था क्या? मैं तो उसको पहली बार देख रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता, मैं धरती के कोर में रहता हूँ। जब मैंने देखा मेरी दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा है तो मैं यहाँ पर आया और मुझे पता चला अवेंजर्स अब नहीं रहे, इसीलिए। ओह, इसका मतलब हम बहुत पॉपुलर हैं, तू भी जानता है हमारे बारे में? बिल्कुल, तुम्हें सब जानते हैं, सिर्फ पृथ्वी के लोग नहीं, यूनिवर्स के लोग। बहुत बढ़िया टोनी स्टार्क, काफ़ी तरक्की की है तुम लोगों ने। इन लोगों ने मेरी जितनी बेइज्जती की है पिछले 100 सालों में, मेरी कभी नहीं हुई। ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। एक बार मेरी नाइन टेल फॉर्म आ जाए, मैं लोगों को छोड़ूंगा ना। मेरी नाइन टेल फॉर्म अभी तक आ नहीं रही है, बहुत हो गया। मुझे अभी के अभी लावा टाइटन के पास जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं लोगों को खत्म करूंगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लगता है वो पागल वापस आ गया। अरे ये तो पागल पिटकर वापस आ गया है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाइस यार, ये हार क्यों नहीं मान लेता? ये गॉडजिला अर्थ फिर से आ गया है। आप एक काम कीजिए, कमेंट में जल्दी से आयरन मैन ओपी लिखो, क्योंकि मैं भी आयरन मैन और टोनी स्टार्क भी आयरन मैन, और हमारी टीम भी आयरन मैन के ही साथ है। अरे वो तो लेकिन अवेंजर के साथ है। तो गाइस एक काम करो, कोई आयरन मैन ओपी लिख दो तो कोई अवेंजर ओपी लिख दो, सही है ना? गाइस जल्दी लिखो। बात हो गया, तुम एक दूसरे से क्या करवा रहे हो? मैं तुझे फेंक दूंगा। एक मिनट, तूने फेंक दिया इसको? हाँ मैंने फेंक दिया इसको। अरे बाप रे, तू तो बड़ा खतरनाक है गॉडजिला। अरे बाप रे, मैं तो ऐसे ही खतरनाक हूँ, ये सब लोग मुझे किलसा रहे हैं, मेरी पावर्स इतनी कम कब से हो गई। गॉडजिला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे नाइन टेल आने दे। अरे क्या हो गया, तुम वापस कैसे आ गए? वो लोग ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, उनकी टीम अब बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को वो लोग अच्छी तरह से संभाल लें, उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। ऐसी बात है, तो अब समय आ गया है तुम शिन गॉडजिला के पास जाओ।
लेकिन सिन गॉडजिला से क्या होगा? तुम जाकर उससे शक्तियां मांगो, वो तुम्हें शक्तियां देगा। साथ साथ में उसे अपनी टीम में ज्वाइन करो और जाकर इनको खत्म कर दो, वो तुम्हारे नए कासल पे मिलेगा। मेरा नया कासल? तो ठीक है, अभी जाता हूँ मैं भी कभी शिन को ढूंढता हूँ। शिन, मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे तेरी पावर्स चाहिए, साथ साथ में तुझे मेरा साथ देना होगा। एक मिनट, ये शिन है कहाँ पर? यही हूँ, आ जाओ। लगता है वो यहीं पर है, लगता है तो उन मॉन्स्टर्स की ब्रादरी का है, तभी तो उनके जैसा साउंड कर रहा है। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे पावर्स दे दो शिन, अगर तुम मुझे अपनी पावर दोगे तो मुझसे अपनी नाइन टेल फॉर्म्स को अनलॉक कर लूँगा। पृथ्वी का सूरज पावरफुल तो है, लेकिन इतना नहीं कि वो मुझे नाइन टेल जितनी पावर दे सके, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर्स अभी के अभी चाहिए। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी के अपने मुँह से लेजर मारता हूँ तुम्हारी बॉडी पर, उससे तुम्हारी बॉडी का कोर चार्ज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं अभी खड़ा हो जाता हूँ, तो ठीक है तैयार हो जाओ। बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ। मैं हूँ येटी, येटी, येटी। क्या बात है, तू है येटी? तू मारे लोगों को। एक काम कर येटी, तू हमला कर शिन गॉडजिला और वर्ल्ड कलेक्टर पे, बाकी मुझे अपनी सूट को रिपेयर करना है अभी। ठीक है, मौत को खत्म कर लूंगा, लुकुगे बताता हूँ, तेरी पूट पकड़ के मारूंगा। अरे ये कौन आ गया? मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाप रे गाइस, देखिए यहाँ कितना खतरनाक बैटल हो रहा है, वर्ल्ड कलेक्टर को हमारे येटी ने कैसे पकड़ के फेंक दिया। Hey, तेरे हिम्मत कैसे हुई मुझे फेंकने की? मैं तो तले गुट्टू को भी मारूंगा, मैं बहुत खतरनाक हूँ, देखो मैंने दोनों को पीट दिया, मजा आ गया। अरे गाइस, टोनी स्टार्क होता तो उसका मजा आता देखने में। अरे देख रहा हूँ मैं सब चीजें, क्या बात है, देखा ना हमारा येटी कितना खतरनाक है। गाइस इस बात पे तो येटी ओपी लिख दो जल्दी से, येटी ओपी हो ही जाए। हॉट गाइड लिख दो, दोनों मुझे पटन निकलता है वो येटी ओपी लिख देना। गाइस ये बोल रहा है जो इसको पसंद करता है वो येटी ओपी लिख देगा, तो गाइस जल्दी लिखो। और मैं भी यहाँ पर फाइनली आ चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे अपने सूट को रिपेयर करना है। मैंने लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कलेक्टर से फाइट की थी, मेरे मोस्टली गैजेट्स रिपेयर होने रह गए हैं क्योंकि वो डैमेज हो गए थे बहुत ही बुरी तरह से, इसलिए गाइस यहीं पर मैं अपने सूट को लेकर आया हूँ और अभी के अभी हम इसको रिपेयर करते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू जल्दी से अपने सूट रिपेयर कर ले, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। गाइस ये यहीं पर खड़ा है। फाइनली गाइस एक डेढ़ घंटे बाद अभी भी मेरा सूट ठीक से रिपेयर नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी कर फ्रैंकलिन, वर्ल्ड कलेक्टर कभी भी हम पे हमला कर सकता है, वैसे भी वो हम पे हमला करेगा तो हम उसको हरा देंगे, कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं। भाई तू सही कह रहा है, लेकिन मैं उसकी एक चीज से डरता हूँ। वो क्या चीज़ है? उसकी नाइन टेल फॉर्म। मुझे समझ नहीं आता, जब उसकी नाइन टेल फॉर्म वो आएगा रियल फॉर्म में तो पता नहीं हम उससे कैसे लड़ेंगे। चिंता मत कर, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा वो, हद से दो गुना पावरफुल हो जाएगा। नहीं, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुरानी किताब में पढ़ा है, नाइन टेल फॉर्म यानी कि फोर टेल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए हमें अपनी टीम जल्दी जल्दी रेडी करनी होगी। बहुत हो गया, शिन मरते मरते मुझे अपनी पावर्स दे गया। लेकिन चिंता मत कर शिन, मैं अपनी पावर से तुझे जिंदा कर लूंगा। मैं नाइन टेल बन चुका हूँ, आओ अवेंजर्स, देखता हूँ तुम्हारी नई टीम क्या कर लेगी। अरे गाइस नहीं, ये नाइन टेल में बदल चुका है। अरे बाप रे, अब हमारा क्या होगा? इसके ऑरा से ही यहाँ पर गॉडजिला अर्थ बेहोश हो चुका है और मेरा येटी भी पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नहीं, टोनी स्टार्क बचा। अरे भाई मुझसे भी नहीं उठा जा रहा है, बहुत पावरफुल है। गाइस जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट में हमें किसी भी तरह से इससे बच के निकलना होगा और लावा टाइटन से भी।